हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंडर स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है राफेल। आने वाले एग्जाम्स जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी आदि में इस टॉपिक से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो अक्सर लाता रहता हूं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, राफेल बनाने वाली कंपनी किस देश की है? आपको बताना है। इसमें आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस। तो इसका चलिए मैं आपको पहले सही जवाब बता देता हूँ, इसका सही जवाब है फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल को फ्रांस की किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है डिसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया है? भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमानों का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी के हैं? आपको बताना है, फ्रांस से जो राफेल विमान मिले हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं? तो इसका सही जवाब है 4.5 पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो इसका सही जवाब है चौथा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के पास राफेल विमान है? पहला ऑप्शन है इजिप्ट और कतर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और भारत, तीसरा ऑप्शन है कतर और भारत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये चार देश हैं, इजिप्ट, फ्रांस, भारत और कतर। आज भारत को मिलाकर के चार देश हैं जिनके पास राफेल विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राफेल में कौन सी मिसाइल का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, राफेल में बेसिकली थ्री टाइप्स की मिसाइल का यूज़ हुआ है। वो मिसाइल कौन कौन सी हैं? स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, मीटियर मिसाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को 36 में से कितने राफेल प्राप्त हुए हैं? यानी इंडिया की जो डीलिंग है टोटल राफेल की, वो 36 डील है, 36 राफेल्स आने हैं, लेकिन उनमें से अभी तक कितने मिले हैं इंडिया को? तो इंडिया को मिले हैं ओनली 5। बाकी जो राफेल रेस्ट रिमेनिंग राफेल्स एयरक्राफ्ट्स हैं वो 2022 तक कम्प्लीटली आप हमारे देश को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पांच और राफेल फाइटर जेट एयरवेज किस एयरवेज पे उतरे थे? यानी अभी जो 5 एयरवेज उतरे थे वो किस एयरवेज पे उतरे थे? तो वो उतरे थे अम्बाला एयरवेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राफेल विमान की अधिकतम रफ्तार कितनी है? राफेल विमान की आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी है। तो इसकी सही जवाब है 1389 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई को कवर कर सकता है। सॉरी बेटा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 6,000 लिखा हुआ है, ये 60,000 है, इसमें 4 0 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राफेल विमान की भार उठाने की क्षमता कितनी है? आपको बताना है इसकी वेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी वेइंग कैपेसिटी, भार उठाने की क्षमता है 24,500 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो स्काल्प, इसमें मैंने आपको बताया है इसमें थ्री टाइप्स की मिसाइल का यूज हुआ होता है, और जिसमें जो स्काल्प मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो उसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, ये या आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? आपको बताना है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो वो है मीटियोर मिसाइल, आपको याद रखना है। राफेल लड़ाकू विमान की फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? किसमें एक बार में कितना ईंधन भरा जा सकता है? तो वो है 17,000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राफेल लड़ाकू विमान की कीमत कितनी है? तो एक राफेल लड़ाकू विमान की जो कीमत है वो है 1600 करोड़, 1600 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान में कितने इंजन लगे हैं? तो इसमें राफेल लड़ाकू विमान में 2 इंजन का यूज़ हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला एयरवेज का दूसरा नाम क्या है जहां पर ये 5 राफेल एयरवे राफेल विमान लैंडिंग किए थे, उसका एक दूसरा नाम आपसे पूछा है, तो उसका सही जवाब है गोल्डन एयरवेज। अम्बाला एयरवेज का दूसरा नाम है गोल्डन एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में राफेल लड़ाकू विमानों को भारत लाया गया, किसके नेतृत्व में राफेल लड़ाकू विमानों को भारत लाया गया, तो इसका सही जवाब है कैप्टन हरकीरत सिंह। तो दोस्तों ये थे राफेल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लेकर के आया। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरी बस यही है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।